का वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूके 14 में आपका स्वागत है। तो गाइस मेरी पिछली वाली वीडियो में आपने देखा तो होगा, मतलब वो यार मैंने वीडियो बनाई थी बिल्कुल करप्ट हो गई यार। मैंने पता गलती नहीं था, वीडियो सारी एडिट कर रहा था और एडिट करते हुए मेरे को लगा कि कुछ फाइलें ज़्यादा है मेरे को, तो मैंने डिलीट कर दिया। और यार दिमाग से बात निकल गई कि वो फाइल जो मैंने बना रखी थी ना वो डिलीट हो गई, तो अब मेरे को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है। सो गाइज आज हम बदलने वाले हैं अपनी गाड़ी का टैंक पैनल, जो कि मैं पहले ही लेके आ चुका था, जो कि करीबन था जो आपको लास्ट वीडियो के एंड में बताएगा उसका प्राइस अपन। तो दिखाते हैं आपको वीडियो का, करते हैं स्टार्ट। सो गाइज मैंने ऑर्डर किया था यामा के शोरूम से अपना FG25 का टैंक पैनल, जो कि मेरे को करीबन कुछ का पड़ा था, वो सस्पेंस है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और दिखाता हूँ मैं आपको पैनल जो कि मैंने ब्लैक कलर का ऑर्डर किया था, जो कि भाई एकदम नंबर वन है, एकदम लाजवाब है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। सो गाइज यहाँ पे आया है हमारे मौसी का लड़का आर्यन, ये देखिए दोबारा से, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे, हाई कर दो जरा। और ये अपनी लोकेशन है गाइज, एक नंबर वाली। और ये रही अपनी गाड़ी FG25, भाई आज इसके कपड़े उतर रहे हैं अच्छा। और ये लोकेशन वाइज बहुत ज़्यादा प्यारी थी, मैं घर में भी कर सकता था शूट, मगर यार मैंने किया नहीं, क्योंकि यार कभी कौन आ जाता है कभी कौन आ जाता है, वीडियो में डिस्टर्ब आता है तो मज़ा नहीं आता। तो गाइज ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके का है पैनल, ये है हमारा अटैचमेंट, ये बीच वाला, और ये है इसकी साइड राइट का, और ये है इसका लेफ्ट का। तो गाइज बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, एक नंबर वाली क्वालिटी। तो गाइज फटाफट से करते हैं इसको अटैच इसमें, और इसका ये जो ब्लू वाला पैनल है तो इसको करते हैं, निकालते हैं, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। सो गाइज ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें जो बोल्ट रहते हैं ना, तो ये आपको अलग से मिलेंगे तो नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें से निकाल के इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये एक दो मैंने कर दिए हैं और कुछ यहाँ पे बाकी हैं, क्योंकि मैं सोचता था इसे डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम होगा, पर ऐसा कुछ नहीं, ये जैसे जैसे इसमें बोल्ट पड़े हुए ना, तो वैसे वैसे आपको जो नए पार्ट्स आपने लिए हैं या तो आपको अलग से परचेस करने पड़ेंगे, या तो फिर इसी में से पुराने वाले में से निकाल के इसे दोबारा डायरेक्टली फिट करना पड़ेगा। तो मैं वो धीरे धीरे कर रहा हूँ, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा, नहीं तो यार गाइस भूल भाल जाते तो फिर बाद में फिर लोचा हो जाता, गाड़ी फिर आवाज़ करने लग जाती है। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे हो रहा है फिट, ये कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमने जैसे जैसे पुरानी बॉडी में था उसी तरीके से हमने नई बॉडी में भी बिल्कुल फिट कर दिया है। और भाई साहब हालत ख़राब हो गई, भयंकर धूप ना इतनी भयंकर हो रही ना, एक गोगल लगाना पड़ रहा। तो गाइस कर रहे हैं हम धीरे धीरे फिट, कोई भूल चूक ना हो जाए इस वजह से। गाइस फाइनली हो चुका है हमारा बॉडी कंप्लीट, और ये देखिए लगने के बाद कुछ इस तरीके का हाल है। और वो हमारी पुरानी बॉडी दिखाई जरा, वहाँ देखिए क्या हालत हो रही है। और ये हमारी ब्लैक, अब धीरे धीरे इसको बनाते जाएंगे हम पूरा ब्लैक। अब इसका टैंक हुआ है जो कि मेन पार्ट है,
गाइस ये आप जानते नहीं इसमें भाई कितने महीने लगे मेरे को। तो ये अभी प्राइस है, फिर इसका ये वाला पार्ट, फिर ये वाला और ये बैक में से मतलब पूरी नहीं करके फिर से बेच देना है। नहीं इसके बाद इसे बेचना है ताकि सामने वाला बंदा बोले कि यार गाड़ी तो नहीं लग रही है, बड़े हरामी हो बेटा। गाइस इसलिए अगर सही दाम मिल गया तो बेच देंगे, गाइस अगर नहीं मिला तो अपने पास ही रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है इसका बीच का पैनल का प्राइस, जो कि ये इस टाइप का ही होगा ना, ये बीच में कनेक्टर जो कि आपके दोनों साइड को जोड़ता है। तो ये बीच का कनेक्टर हमको पड़ा था MR के, देख लीजिए गाइज 122, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1/2024। और इसका साइड पैनल जो कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट का वन पीस का प्राइस है गाइज ये 1060 रुपये। और ये भी देखिए टैंक साइड कवर SMK, ये इसका है नंबर और ये मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है। सो गाइज ये दोनों का मिला के चार्ज मेरे को करीबन 2200 रुपये तक का पड़ा था, मगर भैया बता रहे थे कि 3000 तक का पड़ेगा। तो 3000 का ना पड़ के गाइज मैं तो डर ही रहा था वैसे, 3000 मैंने एडवांस जमा करके, क्योंकि बिना एडवांस बुकिंग करे आपका कोई भी पार्ट्स आपको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि 10% एडवांस जमा करनी पड़ेगी। और मैंने एडवांस जमा करने के बाद तब ये मेरा पार्ट्स आया था, मेरे को करीबन एक हफ्ते के अंदर ये अवेलेबल हो गया था। तो गाइज मैंने लाके और इसे अभी फिट कर दिया है। तो गाइज देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है हमारा ब्लैक कोबरा, बहुत यूनिक लग रहा है। मैं धीरे धीरे इसके पार्ट्स पूरे ब्लैक कर दूंगा। तो गाइज आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और ऐसी टेक्निकल वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा, तो अगर कोई इंक्वायरी और पूछताछ हो तो हमें प्लीज़ कमेंट में और इंस्टाग्राम आईडी UK14 के फॉलो करें। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन बूम।